158,000 वोटर बने हुए हैं, तो सरकार और गलत इलेक्शन होने वाला है। जो भी चुनाव होगा, जो भी जीतेंगे वो डेफिनेटली जनता के कैंडिडेट होंगे। तो जन सुराज नाम है हमारी पार्टी का, तो जनता जनार्दन है, जनता निर्णय करेगी। जंग में कई प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के हैं, लिए भी है। हम उनके बारे में नहीं सोचते, हम लंबी लाइन लकीर हम खींचना चाहते हैं, हम लकीरों को छोटा नहीं करना चाहते हैं। तो हम अपनी लंबी लकीर खींचेंगे अपने आप, बाकी सब छोटे होते हैं। स्वास्थ्य जगत में आप सेवा किए थे, अब राजनीति में सेवा कैसा रहेगा ये समय बताएगा। 13 महीने मात्र का समय है, विश्वास रखा जाए। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपना नाम कमाया है, या फिर जो भी हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज में अच्छा काम किया है, डेफिनेटली उसी को निभाने के लिए आ रहा हूँ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, मैं एज ए प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। तो जो भी करूँगा ईमानदारी के साथ मैं करूँगा, और जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ बिहार की जनता का, उस पर 100% खड़ा उतरूँगा। प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है, मैं निश्चित रूप से इस मौका को जाया नहीं करूँगा। और जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और बिहार की जनता के जो भी एक्सपेक्टेशन है, उस पर 100% खड़ा उतरूंगा। अगर नहीं उतरा तो अगले बार में नहीं लड़ूंगा। चलिए, 158,000 वोटर बने हुए हैं, तो सरकार और गलत प्रक्रिया से इलेक्शन नहीं होने वाला है। जो भी चुनाव होगा, जो भी जीतेंगे वो डेफिनेटली जनता के कैंडिडेट होंगे। तो जन सुराज नाम है हमारी पार्टी का, तो जनता जनार्दन है, जनता निर्णय करेगी। जंग में कई प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के हैं, लिए भी है। हम उनके बारे में नहीं सोचते, हम लंबी लाइन लकीर हम खींचना चाहते हैं, हम लकीरों को छोटा नहीं करना चाहते हैं। तो हम अपनी लंबी लकीर खींचेंगे अपने आप, बाकी सब छोटे होते हैं। स्वास्थ्य जगत में आप सेवा किए थे, अब राजनीति में सेवा कैसा रहेगा ये समय बताएगा। 13 महीने मात्र का समय है, विश्वास रखा जाए। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपना नाम कमाया है, या फिर जो भी हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज में अच्छा काम किया है, डेफिनेटली उसी को निभाने के लिए आ रहा हूँ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, मैं एज ए प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। तो जो भी करूँगा ईमानदारी के साथ मैं करूँगा, और जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ बिहार की जनता का, उस पर 100% खड़ा उतरूँगा। प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है, मैं निश्चित रूप से इस मौका को जाया नहीं करूँगा। और जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और बिहार की जनता के जो भी एक्सपेक्टेशन है, उस पर 100% खड़ा उतरूंगा। अगर नहीं उतरा तो अगले बार में नहीं लड़ूंगा।